भाइयों आज हम सबसे पहले उस सुपरस्टार को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे जिन्होंने ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को रेसलमेनिया में हराया था और बन गए थे न्यू चैंपियन। तो हैप्पी बर्थडे कोडी रोड्स। तो भाइयों कैसे हैं आप लोग? आज मेरे पास WWE से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जेरो न्यूज ने रिसेंटली ट्वीट करके बताया कि इस साल हो सकता है कि सेथ रॉलिंस अपना हील टर्न कर लें, और उन्होंने यह भी बताया कि WWE अभी रेसलमेनिया 41 के लिए CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच कंसीडर कर रही है नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए, और नाइट 2 के लिए कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक का मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो भाइयों क्या आप रेसलमेनिया के दोनों नाइट्स के मेन इवेंट्स में यही मैच देखना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब से विंस मैकमैन WWE से गए हैं और जब से यह ट्रिपल एच का एरा स्टार्ट हुआ है, तो इस ट्रिपल एच के एरा में वो एक कौन सा डिसीजन या बुकिंग है जिसे आप खुश नहीं है? रोमन रिंग्स वो WWE के इकलौते रेसलर हैं जो पॉल हेमन के इतने ज्यादा लॉयल हैं। नहीं तो पॉल हेमन ने आज तक जितनों को मैनेज किया है उन सब ने वाइस मैन की लास्ट में जाकर अच्छे से बजाई है। भाइयों इस बार लगता है कि रॉक चाचा रेसलमेनिया में डबल ड्यूटी नहीं करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि रॉक चाचा जाने से पहले कोडी रोड्स को बोल कर गए थे कि वो जब भी WWE में अपना रिटर्न करेंगे वो कोडी रोड्स को ही चेस करने वाले हैं, और हो सकता है कि द रॉक जब अपना WWE में रिटर्न करे तो उनका मैच कोडी रोड्स के अगेंस्ट WWE कहीं भी करवा सकती है, जैसे कि सऊदी अरेबिया नहीं तो रॉयल रंबल, क्योंकि WWE रेसलमेनिया के लिए रोमन वर्सेस द रॉक का मैच बजा कर रखना चाहती है। जेरो न्यूज ने यह ट्वीट करके फिर से कंफर्म किया कि WWE अभी भी टैग टाइटल्स के लिए DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच प्लान कर रही है समर स्लैम के लिए। डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि वो अभी भी चाहते हैं कि लिव मॉर्गन अपना टाइटल हार जाए, और ऐसा करने में वो अपना पूरा जोर लगाने वाले हैं ताकि वो रिया रिप्ली को अपना लॉयल्टी प्रूफ कर सकें। रिसेंटली एक इंटरव्यू में एजे स्टाइल्स ने अपने WWE करियर के टॉप 5 मैचेस को लिस्ट किया है, और वह मानते हैं कि इन मैचेस के वजह से ही वह WWE में इतने सक्सेसफुल हुए हैं, और वो मैचेस हैं नंबर 1 पर वर्सेस जॉन सीना समर स्लैम 2016 में, नंबर 2 पर वर्सेस जॉन सीना रॉयल रंबल 2017 में, नंबर 3 पर है वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड केविन ओवेंस स्मैकडाउन 2024 में, नंबर 4 पर है वर्सेस डीन एम्ब्रोस बैकलैश 2016 में, नंबर 5 पर है वर्सेस जिंदर महल स्मैकडाउन 2017 में फॉर द WWE चैंपियनशिप के लिए। एक ओपन पॉडकास्ट में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन गए हुए थे, और वहीं पर उन्होंने बताया कि उनको लगता है कि WWE में ब्रॉन ब्रेकर नेक स्टीव ऑस्टिन बन सकते हैं, उनमें वो पूरा पोटेंशियल है, बस अभी उनको अपने माइक स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। तो क्या आप इस पर अग्री करते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हो। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि शेमस WWE के हार्डेस्ट हिटिंग रेसलर है जिनको उन्होंने रिंग में फेस किया है, और वो यह भी कहते हैं कि शेमस पोटेंशियली सबसे हार्डेस्ट हिटिंग रेसलर है इन द हिस्ट्री ऑफ प्रो रेसलिंग। और आज के लास्ट एंड फाइनल अपडेट यह है कि WWE रेसलर्स विद द मोस्ट विन इन 2024 एट द एंड ऑफ जून और वो रेसलर्स हैं। नंबर 1 पर है कोडी रोड्स 50 जीत के साथ, नंबर 2 पर है बियांका ब्लेयर 35 जीत के साथ, नंबर 3 पर है जे ओसो 29 जीत के साथ, नंबर 4 पर है सरप्राइजिंग आर्थर रूथ 29 जीत के साथ, नंबर 5 पर है सैमी ज़ेन वो भी 29 जीत के साथ। तो भाइयों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।